दोस्तों, जब सांप हम इंसानों को डसता है तो ज्यादातर संभावना होती है कि हम मर भी सकते हैं, क्योंकि उसका जहर काफी खतरनाक होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि नेवले और सांप की लड़ाई में सांप जब नेवले को डसता है तब भी वह नहीं मरता, वो लगातार सांप के साथ लड़ाई करता रहता है और अधिकतर जीत भी जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि सांप के जहर का असर नेवले पर क्यों नहीं पड़ता? सांप वैसे काफी फुर्तीला होता है, लेकिन नेवला उसे कई गुना ज्यादा चालाकी और फुर्ती से सांप के साथ लड़ता है एंड इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि सांप उसे डस ना पाए। अगर बाई चांस सांप नेवले को डस भी लेता है तो भी नेवले पर उसका ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि नेवले के पास विशेष प्रकार के ऐसे क्लॉकलिन रिफ्लेक्स होते हैं जो सांप के जहर के लिए प्रतिरक्षित होते हैं। इसमें रिसेप्टर्स की ढाल इसके उत्परिवर्ती डीएनए के कारण बन जाती है एंड दूसरा रीजन यह भी है कि नेवले का डीएनए अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स बनाता है जो जहर के रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड बनाने में अनेबल होता है एंड इसी वजह से सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर नेवला बचा रहता है।